उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धार्मिक आयोजन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही, जिसमें अयोध्या का एक दीपोत्सव था। लेकिन ये खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान से टेरर फंडिंग की जा रही है और पिछले महीने में 70 लाख से ज्यादा रुपए यहाँ पर भेजे गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी। अयोध्या का दीपोत्सव एक ऐतिहासिक था, भव्य था, सभी ने देखा, लेकिन अब उसके एकाबाद धार्मिक स्थलों को लेकर एक तरीके की बातें सामने आना कि कहीं पर कोई घटना हो सकती है, कैसे देखते हैं इसको, रोकथाम के लिए क्या है? देखिए, हमारी देश की मोदी सरकार हमारे देश को सुरक्षित माहौल देने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 2017 के बाद से ही उत्तर प्रदेश के में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया। निश्चित तौर पे हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, जो इंटेलिजेंस है, वो पूरी ईमानदारी से और तत्परता से अपना काम कर रही हैं और कहीं भी कोई ऐसी कोई बातें संज्ञान में आती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। तुरंत उस पर जो भी नेसेसरी एक्शन लेना होता है वो हमारी जांच एजेंसियाँ लेती हैं। हम उत्तर प्रदेश को और देश को एक सुरक्षित माहौल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारी मोदी और योगी सरकार पूरी ईमानदारी से अपने इस एजेंडे पे काम कर रही है। नीतीश कुमार का बयान आपने सुना, महिलाओं को लेकर किस तरीके की टिप्पणी करी थी। अब बिहार में खनन माफिया जिस तरीके से सक्रिय हैं, बताया जाता है कि वहाँ पे कानून का बहुत राज है, एक दरोगा की मौत होना, उसको कुचल कर एक सिपाही घायल है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आए दिन बिहार से इस तरह की खबरें आने से ये बात एकदम स्पष्ट है, स्वाभाविक है कि बिहार सरकार जो है वो टोटल रूप से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेलियर साबित हुई। वहाँ पे आए दिन इस तरह की बात आना ये दर्शाता है कि उन्होंने वहाँ का कानून व्यवस्था लचर है, वहाँ के लिए वहाँ की जो कानून की व्यवस्थाएँ के लिए जो एक्टिविटी होनी चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए, वो नाकाफ़ी है। सरकार भी लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही जंगल राज चल रहा है। आप देखिए, अभी एक मानस नगर में दरोगा की हत्या कर दी गई, आगरा में एक युवती के साथ गैंगरेप हो गया, यहाँ पर भी जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरीके से फेल है। देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 2017 से लेकर अब तक पूरी ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है और आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का लॉ एंड ऑर्डर का की मिसाल पूरे देश के अलग अलग प्रदेशों में दी जाती है। हमने उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया। हमने निष्पक्ष तरीके से कठोर कार्रवाई करके अपराधियों को साफ और स्पष्ट संदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगी और कहीं भी कोई ऐसी घटना संज्ञान में आती है तो आप सबने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसका संज्ञान लेते हैं और जो भी सख्त और कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसको भी हम लागू करते हैं, उसको भी हम करते हैं और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर बनाने के लिए हमने पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्पक्षता के साथ काम किया है। मंत्री जी, लगातार कैबिनेट में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही है और आपके एक बहुत ही पुराने साथी हैं ओम प्रकाश राजभर, बताया जा रहा बड़े बेचैन हैं, तारीख पे तारीख बता रहे हैं दिल थाम के रखिए, मैं मंत्री ज़रूर बनूंगा, क्या चर्चा है चल रही? देखिए, इन तमाम मुद्दे पे जो है फैसला हमारा शीर्ष नेतृत्व लेता है और जो भी इसमें अपडेट होगा हमारा शीर्ष नेतृत्व आप सबको अवगत कराएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।